हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शेफ जेकेबी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शेफ पोजीशंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक शेफ की क्या क्या पोजीशन होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, इस वीडियो में हम आज जानेंगे। मैं आज जो भी पोजीशंस बताने जा रहा हूँ वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पोजीशंस हैं। सबसे पहला पोस्ट है कॉरपोरेट शेफ का। कॉरपोरेट शेफ हर जगह में देखने को नहीं मिलेगा, जिसका दो या दो से ज़्यादा ब्रांच है, दो तीन चार पाँच या उससे भी ज़्यादा ब्रांच है, उसका एक हेडशिप होता है कॉरपोरेट शेफ। इनका काम होता है सारा ब्रांच को विजिट करना और उनको हैंडल करना। वहाँ पे इवेंट हो या अवार्ड्स हो, उसमें पार्टिसिपेट करना भी इनका काम रहता है। और जहाँ पे न्यू ओपनिंग होती है वहाँ पे भी कॉरपोरेट शेफ जाते हैं। उसके बाद होते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ। एग्जीक्यूटिव शेफ एक सिंगल यूनिट का हेड शेफ होते हैं, जिसका काम रहता है कि वो पूरा एक होटल को मैनेजमेंट करना, उनका जितना भी अंडर स्टाफ काम करते हैं उनको मैनेजमेंट करना, फूड क्वालिटी और क्वान्टिटी को मैनेज करना, न्यू मेनू प्लानिंग करना, ये सारा काम करते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ। और भी इनका काम रहता है कि गेस्ट का कोई कंप्लेंट है तो उनको हैंडल करना भी ये करते हैं। उसके बाद आते हैं शू शेफ। शू शेफ का काम फूड प्रिपरेशन से लिंक रहता है। इनका काम रहता है ड्यूटी रोस्टर बनाना, सुपरवाइजरी करना, सप्लायर से कंटैक्ट करना, ये सारा काम करते हैं शू शेफ। और भी काम करता है, इनका एक एचआर डिपार्टमेंट से लिंक होती है। स्टाफ का जो भी प्रॉब्लम हो, सैलरी प्रॉब्लम हो या पेपर वर्क हो, ये सारा शू शेफ आपको घर के देते हैं। उसके बाद आता है सीडीसी। सीडीसी का फुल फॉर्म है शेफ दी कुजिन। ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड शेफ होता है, जैसा कि इंडियन या चाइनीज या कॉन्टिनेंटल, उसका एक हेड शेफ होता है, उनको बोलता है सीडीसी। इनका काम होता है पूरा डिपार्टमेंट को हैंडल करना, जो भी स्टाफ है उनको बराबर ड्यूटी लगाना, और खाना का क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना, न्यू डिश बनाना, ये सारा काम होता है सीडीसी का। उसके बाद आता है सीडीपी। सीडीपी पूरा किचन का भी सीडीपी होता है, हो सकता है, और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी सीडीपी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसा सीडीसी होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वैसे सीडीपी होता है। इसका मतलब होता है शेफ दी पार्टी। ये भी एक डिपार्टमेंट का हेड शेफ होता है, जिसका काम रहता है फूड प्रिपरेशन करना, न्यू मेन्यू बनाना, और अपना फूड का क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना, ये भी काम करते हैं एक सीडीपी। उसके बाद आता है डीसीपीडी, डेमी शेफ दी पार्टी। ये एक ऐसा पोस्ट है जिससे एक शेफ का लेवल चालू होते हैं। तो ये डेमी शेफ भी एक शेफ है, जिनका काम है फूड प्रिपरेशन करना, उनका फूड का क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना, और जितना भी उनका नीचे स्टाफ काम करते हैं उनको मैनेज करना, ये सारा काम करते हैं डीसीपीडी। उसके बाद आते हैं कमीज। बहुत सारे होटल में देखने को मिलेगा कमी वन, कमी टू, कमी थ्री। कमी थ्री से एक कुकिंग की स्टार्ट शुरू होती है, एक शेफ बनने की स्टार्ट हो जाती है। तब वो कमी थ्री में काम करते हैं, फिर वो कमी टू में आते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद वो कमी वन बनता है, और उसके बाद आप बन जाते हो डीसीपीडी। तो ऐसा शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, होटल में और भी पोस्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम ट्रेनी, जैसा कि आईटी इंडस्ट्रियल ट्रेनी, फिर होती है ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनी, वीटी वेकेशनल ट्रेनी। वेकेशनल ट्रेनी वो होते हैं जिसको होटल मैनेजमेंट करने के बाद छुट्टी मिलती है, उनका इच्छा है कि वो ट्रेनी में जाए या छुट्टी में जाए, वो होता है वेकेशनल ट्रेनी। फिर होता है एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी, फिर होता है जेटी जॉब ट्रेनी, और होते हैं कैजुअल। कैजुअल कौन होते हैं? कैजुअल शेफ वो होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक होटल को कुछ इवेंट होती है, वहाँ पे पार्टी होती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तब वो हायर करते हैं कैजुअल शेफ। उनको पर डे की सैलरी मिलती है, या एक दिन दो दिन कितना दिन वो काम करते हैं वो हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। एक आज मैं आपको बताया कि वो एक होटल में कितना शेफ की पोजीशंस रहती है और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आज मैंने क्या क्या बताया उसको एक समराइज करते हैं। सबसे पहला होता है कॉरपोरेट शेफ।
जो कि जितने भी ब्रांच है उनका हेड शेफ होते हैं। उसके बाद रहता है हमारा एग्जीक्यूटिव शेफ, सिंगल यूनिट का हेड शेफ होते हैं। उसके बाद आता है शू शेफ, फिर आता है सी डी सी शेफ दी कुजीन, फिर आता है सी डी पी शेफ दी पार्टी, फिर आता है डी सी पी डी डेमी शेफ दी पार्टी, फिर आता है कमीज 1, 2, 3, फिर आते हैं हमारी ट्रेनिंग। आपने आज जाना कि कितना शेफ की पोजीशन होती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए शेफ जीकेबी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।